मिस्टर डीके हैं। देखिए, हमें कैप्टिविटी रूम से एक अहम सबूत मिला है, उसी के सिलसिले में पूछताछ करने आए। जी वो अंदर ही हैं। तो उन्हें बुलाइए प्लीज। देखिए, हमें एक मोबाइल फोन मिला है जिसके सिम कार्ड को चेक कराने से पता लगा है कि वो मिस्टर डीके का है। क्या मैं देख सकती हूँ? ये तो डीके का ही मोबाइल है। Are you sure मिस्टर डीके का है? जी हाँ। What is it, इंस्पेक्टर? इस मोबाइल को पहचानते हैं आप? तुम बहुत ही घटिया और वाहियात किस्म के आदमी हो। Get out. I said, get out! Well, तो मेरा ही है, पर आपके पास कहाँ से है? ये हमें घटनास्थल, I mean, captivity room से मिला है। What do you mean? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद आप भूल गए हो। What are you talking? मुझे अच्छे से याद है, पिछले हफ्ते खो गया था। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? नहीं। मोबाइल कंपनी को खबर की? नहीं, मेरे पास दो मोबाइल हैं, तो मैं दूसरे मोबाइल से ऑपरेट करना शुरू कर दिया। मिस्टर डीके, इसके दो ही मतलब हो सकते हैं। पहला तो ये किसी मुजरिम ने इस्तेमाल जरूर किया है, और दूसरा ये कि आप झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर, मिस्टर डीके, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस दौरान आप शहर से बाहर मत जाइएगा, और इमरजेंसी हो तो पुलिस को इन्फॉर्म करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज कोऑपरेट विद अस। Get out! I said get out! Watson, trapped. DK. दिशा, तुम इस वक्त मेरे कमरे से चली जाओ। क्यों? मुझसे आंखें मिलाने में शर्म आ रही है तुम्हें? DK, अगर तुम्हें पुलिस ने छोड़ भी दिया ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा कॉलर छोड़ो। अगर मैं ये कहूं That you fixed me. मुझे फंसाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। मेरा मोबाइल तुमने वहां प्लांट किया था। मुझ पर उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुमने ऐसा दूसरी बार किया है। पहले मेरे बाबा और अब बेचारा देव, उसे भी शिकार बना लिया तुमने। क्यों, पिता कहते हुए शर्म आती है? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। एक निर्दोष बूढ़े इंसान को भी नहीं छोड़ा तुमने। You did this मुझसे दुश्मनी निभाने के लिए। कितना गिर गए हो तुम। दुश्मनी निभाने के लिए तुमने ये सब षड्यंत्र रचा। बकवास मत करो। मेरा मोबाइल सचमुच खो गया, और ये सब मुझे फंसाने की चाल है। And I promise, सब नाकामयाब होगी। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। Stop it. तुम मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही हो। How can you? And how could you? पुलिस को तुम्हारा मोबाइल मिला है। तुमने प्लांट किया। ये तुम कह रहे हो ना? ओके, तो तुमने पुलिस को मेरा नाम क्यों नहीं बताया? हाँ, तुम जानबूझकर मुझे उकसा रहे हो ताकि गुस्से में मैं कुछ कर बैठूं और तुम्हारी चाल कामयाब हो। ओह, तो डीके को गुस्सा आता है और वो कुछ नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है? डीके, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो अगर तुम कुछ करोगे तो तुम सलाखों के पीछे जाओगे।
तुमने मुझसे वो सब कुछ छीन लिया है जो मेरा था, और यही सच है। और ये भी सच है दुष्यंत कुमार सहगल, that I hate you. I just hate you. चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया, चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया, ना तो मंजिल ना है कारवां, ना तो प्यार का है साया, देखे थे जो मेरी आंखों ने वो ख्वाब सुनहरे बिखरे हैं हर बार, मगर उन यादों के कुछ दर्द दिल में उभरे हैं, उन यादों को भूलूं किस तरह, कैसे मैं बुलाऊं, वो निर्दोष है, मन से मन का उसे हमेशा अपने पास रखिए। तुमने मुझे समझाया बाबा, बाबा आपने हमेशा मैं अपने पिता का अक्स देखती थी, कितनी बेफिक्र होकर बातें करती थी आपसे, काश मुझे ये पता होता कि आप ही मेरे पिता हैं। मुझे क्या पता था कि इन हालात में आपसे मुलाकात होगी। जिंदगी में एक कमी महसूस करती थी जो पूरी हो गई, अनजाने में ही सही, लेकिन आपका साथ मुझे हमेशा याद रहेगा। बाबा आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए, बाबा क्यों चले गए, क्यों बाबा, विश्वास नहीं हो रहा कि इतना सब कुछ हो गया। इंदर, वो सारा हादसा अभी भी मेरी आंखों के सामने है। आखिर कोई क्यों तुम्हें किडनैप करेगा? कोई तो कारण होगा। मैं खुद भी तो ये सोच सोच के पागल हो रही, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा इंदर। फिर भी पता तो करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी किडनैप में कोई मामूली हादसा नहीं था। उस लड़की का जिसका कोई दुश्मन नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी ना हो, उसकी किडनैपिंग का प्लान आखिर कोई क्यों बनाएगा? प्लान? Yes, it's a pre-planned game, जिसमें वो लोग कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि देव बाबा वहां पहुंच गए थे। लेकिन देव बाबा वहां पहुंचे कैसे? कहीं वो मुझे बचाने के लिए तो नहीं पहुंचे? लेकिन उन्हें कैसे पता लगा कि तुम्हें किडनैप किया गया है? आई मीन, क्या वो किडनैपिंग के बारे में जानते थे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। याद कर रहा हूं, क्या वो इस हादसे के बीच में कुछ कहना चाहते थे मुझे? कुछ भी, कोई ऐसी बात जो इस हादसे से ताल्लुक रखती हो, कोई हिंट? नहीं इंदर, और अगर कहा भी होगा तो मैं इतनी डरी और घबराई थी कि मुझे कुछ याद नहीं है। देवा, टीके का मोबाइल उस जगह मिला? टीके नहीं। ओह गॉड, इट्स सो कंफ्यूजिंग। आखिर कौन तुम्हारा दुश्मन है?
Hello. Hey, Swedish. How are you? Vedant. My, my, my. आपने तो मेरी आवाज भी पहचान ली. Thanks a lot. वैसे आप उस दिन ऑफिस से तो ऐसे गायब हुई जैसे हमें भूल ही गई. नहीं, ऐसी बात नहीं है. You okay? Yeah. तो फिर ऑफिस क्यों नहीं आई? या फिर मेरे साथ कंपीट करने से डर गई? Hey, relax. तुम तो जानती हो मैं कैसा हूँ, क्यों हूँ, किस वजह से हूँ. अब ऐसा हूँ तो ऐसा हूँ. और कुछ? और कुछ बाद में. पहले ये बताओ कि ऑफिस क्यों नहीं आए? अब मैं पिक करने आऊँ? कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए कुछ दिन ऑफिस नहीं आऊंगी. पर्सनल प्रॉब्लम? तो मुझे बताओ ना, सारी लड़कियों की प्रॉब्लम सुनता हूँ, सॉल्व भी कर लेता हूँ. बोलो ना. थैंक्स बट नो थैंक्स. कमाल है. लगता है मुझे ही गेस करना पड़ेगा. एक सुंदर सी लड़की की क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेकअप. गाड़ी का पंचर नहीं लग रहा क्या? ऑफ कोर्स, तुम्हारी ब्यूटी. क्या बात है, कोई गुंडा तंग कर रहा है? मुझे बताओ, मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ, मैं संभाल लूंगा. माय माय माय, तुम्हारी तो हंसी भी म्यूजिक लगती है. I love to see Indian women laughing. Good. Thank you. Thanks a lot. You're most welcome. See you soon. Bye. Bye, bye, bye. Office जा रहे हो सनी? कल का दिन बहुत खराब था, है ना? रानू का किडनैप होना, देवा का उसे बचाना, और फिर एंड में देव का मर जाना. व्हाट अ ट्रेजेडी. एंड आई एम सो सॉरी कि ये ट्रेजेडी में तुम घसीटे गए. लेकिन हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही कि तुम्हारा मोबाइल पुलिस के हाथ लगा कैसे. हम सो टेंस, अब क्या होगा? और फिर देव दिशा का बाप. रात भर हम सो नहीं पाए, बस यही सोचते रहे कि आखिर तुम्हारा फोन पुलिस के पास पहुंचा कैसे. हमें तो ये बहुत गहरी साजिश लग रही है, और ये साजिश किसी बाहर वाले की नहीं, घर के आदमी की रची हुई है. यू बी केयरफुल सनी. जो लोग बाप बेटी के रिश्ते को छिपा सकते हैं, दे कैन गो टू एनी लिमिट. स्टॉप इट. Just stop it. मैं आपको इतनी अच्छी तरह जानता हूं, बस यही आदतें मुझे आपकी पसंद नहीं. मौका मिला नहीं कि आपकी गॉसिप शुरू. राई का पहाड़ बनाना और पहाड़ की राई बनाना आपसे अच्छा शायद कोई नहीं जानता. आप मुझे दिशा के बारे में इंडायरेक्टली भड़का रही थी ना. मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं कि आज के बाद आपने मुझे दिशा के खिलाफ कुछ भी कहा तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा. मिल गई, आखिर हमें तुम्हारी दुखती रग मिल गई. अब देखना दुष्यंत, हम उस पर उंगली रख के तुम्हें कैसे तड़पाते हैं, और अपनी उंगली पर नचाने के लिए तुम्हें कैसे मजबूर करते हैं. मेरे बाबा की मौत एक गुत्थी बनकर नहीं रहेगी. मैं बाबा की मौत का इंतकाम लेकर रहूंगी, मगर कैसे? मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? कैसे पहुंचूं बाबा के कातिल तक? हे पापा, आप तो हर बिगड़ा काम सवार देते हैं, हर बाधा को हर लेते हैं. मेरी बाधा को भी हर लो, मेरे बाबा की मौत को इंसाफ मिले पापा. हेलो, मैं इंस्पेक्टर खान बोल रहा हूँ. दिशा जी. जी इंस्पेक्टर साहब, कहिए, बाबा का कातिल मिला? मिल जाएगा. मिल जाएगा? क्या मतलब? आप डीके को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि उसका मोबाइल वहाँ पर मिला है? देखिए, डीके का मोबाइल फोन मिलना पूरा एविडेंस नहीं है. अभी तो तहकीकात चल रही है, छानबीन हो रही है. एविडेंस पक्का और मजबूत हुआ तो
डीके सलाखों के पीछे होगा मैडम। डीके का मोबाइल पक्का एविडेंस है और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वही कातिल है। देखिए मैडम, हमारा मकसद एक है, मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्द से जल्द कातिल सलाखों के पीछे हो, तो क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें। आपको मुझसे जो भी मदद चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। बाय। आप लोग ऑफिस में गॉसिप के मजे लेने आते हैं काम करने? सॉरी सर। हाउ डेयर यू बिहेव लाइक दिस इन द ऑफिस? ये ऑफिस है, कोई धर्मशाला नहीं, और ऑफिस में ऑफिस प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी सर। एक्सक्यूज मी मिस्टर डीके। तुम यहां क्यों आए हो? पहले मेरे घर पर, अब यहां पर? What do you think? I'm a criminal? मैंने क्रिमिनल की बात कब की? Then why are you here? Mr. DK, if you don't mind, आप एक केबिन में चल कर आइए। Short inspector. वारदात की जगह पे आपका मोबाइल मिला मिस्टर डीके। हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी, और जब आगे की इन्वेस्टिगेशन हो रही तो जाहिर है आपसे आगे की पूछताछ भी होगी। देव के मर्डर के दिन आप कहाँ थे? मैं अपने ऑफिस में था अपने ऑर्डर्स के साथ, और रही मोबाइल की बात, I've lost it. आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती? Should I talk to your seniors? Sure, sure. लेकिन मिस्टर जीके, रूटीन इंक्वायरी में वो भी आपको हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए ही कहेंगे। हाँ तो वो मोबाइल फोन क्या मिल गया आपको? आप इस तरह मुझे परेशान नहीं कर सकते। And not does it prove that I was involved? मिस्टर जीके, आप हद से बाहर जा रहे हैं। मैं आपसे चंद सवाल पूछने आया था। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। You can leave now. मिस्टर जीके, आप एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहे हैं, जरा तमीज से। तुम मुझे तमीज सिखाओगे? डीके सहगल को तमीज सिखाओगे? क्या तहलका है? मिस्टर डीके, आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। आप लोग यहां पे सब क्या देख रहे हैं? गेट बैक टू वर्क। चले गए देव? जिसने भी ये किया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं।